सुखराज जी, गुड इवनिंग. स्वागत है आपका द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार के ऑनलाइन ऑडिशन में. हेलो. हाँ सुखराज जी, सुखराज जी, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार के ऑडिशन में आपका स्वागत है. आप क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर. जी बिल्कुल. आपका पूरा नाम बताएं सुखराज जी, और आप कहाँ से हैं, और आप कौन सा गाना गाएंगे प्लीज बताएं. और लेट्स बिगिन दैट. सर जी, मैं राजस्थान से हूँ. तो आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे सुखराज जी? जुदा हम हो गए माना. बिल्कुल बिल्कुल सुखराज जी, आप स्टार्ट कीजिए. हेलो जी. जी स्टार्ट जी. आप गए. जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना. जुदा हम हो गए जाना, मगर ये जान लो जाना. कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना. तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बात लाना. कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना. था कौन मेरा, एक तू ही था. सांसों से ज्यादा जो जरूरी था. तेरे लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था. नहीं जाना बुला करके, ये बातें तुम ही करते थे. रही खुशियां नहीं मेरी, के तुम भी वक्त जैसे थे. तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना. कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना. जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना. कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना. क्या बात है शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छे गाना सिलेक्शन किया और काफी अच्छा कोशिश भी की. देखते हैं हमारे स्वरित आपको क्या फीडबैक्स देते हैं और कितने पॉइंट्स देते हैं. और देखते हैं स्वरित, प्लीज इनके लिए फीडबैक दीजिए और प्लीज कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप बताएं. हेलो. हाँ जी सर जी, स्वरित जी की आवाज नहीं आ रही मेरे को. हेलो. हाँ सर, अब आ रही है जी. तो मैं ये कह रहा था, आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया और एक जो राजस्थानी वॉइस रहता है ना, ऐसा टच था आपकी आवाज में, क्योंकि आप हो ही लोकल के, तो और भी बहुत अच्छा लग रहा था ये गाना, उस टाइप का सूफी एकदम. तो आई वॉज रियली लविंग इट. और दूसरा ये कि आप थोड़ा सा अगर आप सीखते हैं कहीं पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ. नहीं सर, मैं तो क्या स्कूल टाइम से ही, मतलब जब मैं 5 में था तो मेरे स्कूल में ही जो बाल सभाएं होती थी उस समय मैं गा रहा हूँ. अब 12th में आ गया हूँ और मेरा यहाँ से जो थाईलैंड एक वर्ल्ड सिंगिंग चैंपियन है, अच्छा, मार्च अच्छा. में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है. जी जी, तो बहुत अच्छा है आपका, मतलब बिना सीखे भी आप इतना अच्छा गा रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप सीख लेंगे तो कितना अच्छा गाएंगे. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा नहीं गाते, आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, बट एक आप में और आपकी लिमिट ज्यादा है इससे, तो आप अगर चाहें तो और अच्छे से गा सकते हैं. तो और नंबर्स का देखा जाए, पॉइंट्स का, तो मुझे तो आप आराम से 40-45, मैं देना चाहता हूँ आपको 45. जी मेरे शेयर में से 45 आपको दूंगा मैं, और बाकी जो जनता है वो देखेगी. बिल्कुल बिल्कुल सुखराज जी, आपको 45 मार्क्स दिए हैं सोरित ने, जो इट मींस अ लॉट, क्योंकि 50 तक जो है हमारे जज के हाथ में है, तो 45 मार्क्स लाना यानी बहुत बड़ी बात है. आपने अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं. अब बाकी जो है 50% जो है हमारे जनता के हाथ में है. जनता आपके इस सॉन्ग को हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आज ही अपलोड होगा, तो कितने लाइक्स करते हैं, कितने शेयर करते हैं, आपको कितना पसंद करते हैं हमारे जनता पब्लिक. तो जनता तो जनार्दन है, देखिए देश की सरकारें और सब चीज ही जनता बनाती है. तो आपको भी जनता के हाथ में है कि अब आपको जनता कितना क्या देना चाहती है. तो हम आपको, आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए जो आज अपलोड होगा. हाँ जी सर जी, एक बात पूछ,
जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्या आगे क्या प्लेटफॉर्म दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे सिलेक्शन के बाद भी जो ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन हमने वैसे पेज पे तो दे रखी है, फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा। आप लोग सिलेक्शन हो जाते हैं तो एक बड़े इवेंट के लिए आप लोग बुलाए जाते हैं, और जितने भी आप लोग 20 या 25 पीपल सिलेक्ट होते हैं टोटल, उनमें से टॉप 5 को जो है हम लोग उनके जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम काम देते हैं उनको। हमारी अपकमिंग जो फिल्म्स जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें हम लोग अलाइन करते हैं, और 2 साल के लिए जो है SD3 फिल्म्स के लिए जो है काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इवेंट्स हम लोग करते हैं SD3 फिल्म्स करती है, उसमें आप लोगों को प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ प्राइज ट्रॉफी कैश सब चीज जो है, तो एक तरह से करियर आपका जो है टॉप 5 तक आते हैं तो एक करियर बिल्ड हो जाता है आपका। बिल्कुल सर, धन्यवाद जी, बिल्कुल आप बने रहे सुखराज जी हमारे साथ, और थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो, थैंक यू, धन्यवाद।